बिलासपुर जिले के मरवाही में आवास मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है, लिहाजा पीएम आवास का कार्य कई जगह प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा आवास मित्रों की नियुक्ति की गई है, ताकि केंद्र की आवास योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा सके, किंतु इन दिनों आवास मित्रों की मांग ने पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। हालांकि उच्च अधिकारियों ने काम रुकने की बात को सिरे से खारिज किया। फिलहाल आवास मित्रों ने अपनी नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद किए हुए हैं। वहीं मरवाही जनपद पंचायत सीईओ ने आवास मित्रों से किसी प्रकार की बात होने से इनकार किया है और काम काज पर फर्क नहीं पड़ने की बात कही है। उन्होंने यहां तक कहा कि जब आवास निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तब आवास मित्र नहीं थे, लेकिन आवास निर्माण कार्य जल्दी हो सके इसके लिए आवास मित्रों की नियुक्ति की गई थी। बावजूद इसके काम पर वापस न लौटने पर आवास निर्माण जारी रहेगा। अभी तक तो मेरे से इन लोगों ने किसी तरीके की बात नहीं की है कि वो किस लिए हड़ताल पे हैं। केवल एक सूचना के तौर पर कुछ उन्होंने 19 तारीख को एक आवाज में डेटा छोड़ दिया। क्या आवास निर्माण कार्य उनके अब्सेंस में पूरा हो पाएगा? जब योजना चालू हुई उस समय तो आवास मित्र थे, बाद में आवास मित्र इसलिए रखा गया कि आसानी हो और जल्दी से जल्दी आवास पूरा हो जाए, और इसी उद्देश्य के लिए रखा गया है। इसके बिना भी हो जाएगा काम। 19 तारीख को उन्होंने इसकी आपको जानकारी दी है यहाँ पर जनपद कार्यालय में, क्या अभी तक किसी पंचायत से ऐसी कोई शिकायत आई हो जहाँ पे भी आवास निर्माण कार्य ना हो रहा? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और अभी तक इन लोगों ने मिला भी नहीं है। और किसने ये डेटा दिया उसकी भी मुझे जानकारी नहीं, खाली इन लोग साइन करके कुछ लोगों ने दे दिया है। अगर ये वापस नहीं आते हैं तो जनपद पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? जिला पंचायत उस पर निर्धारण जो भी करना होगा कार्रवाई। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने राजस्थान पहुंची। इस दौरान मेवाड़, वागड़ तथा उदयपुर की खूबसूरती की तारीफ की। दरअसल बॉलीवुड ड्रीम गर्ल व मथुरा से मौजूदा भाजपा सांसद हेमा मालिनी बांसवाड़ा के पास श्री रविंद्र ध्यान आश्रम में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई थी। बांसवाड़ा में श्री रविंद्र ध्यान आश्रम में ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी के दर्शन किए तथा ड्रीम गर्ल ने 2 से 3 घंटे नृत्य तथा नाटक में भाग लिया। 69 की उम्र में भी नृत्य और नाटक कर उन्होंने फिर से बता दिया कि वह ड्रीम गर्ल हैं। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन भी किए। फिलहाल जयपुर डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई ड्रीम गर्ल ने मेवाड़, वागड़ तथा उदयपुर की खूबसूरती की तारीफ की। ड्रीम गर्ल के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी भी मौजूद रही। उदयपुर वाटी के निकटवर्ती ग्राम धोलाखेड़ा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में जी जन जागरूकता सेवा संस्थान के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में 400 पेड़ लगाए गए। संस्था के सचिव महेश महला ने बताया कि जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी से अवगत कराना है। इसके साथ ही पेड़ों की देखरेख के लिए स्कूल स्टाफ व बच्चों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। में आए उनको भी धन्यवाद दूंगा और बच्चों को भी दूंगा कि बच्चों का कल मुझे यहाँ अच्छा लगा। एक बच्चों की जो रुचि थी पौधों के प्रति वो अच्छी लगी। हमारा पौधों का निर्णय तो अब हुआ है, नया उद्देश्य जोड़ा है। हमारी संस्था सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना शुरू किया था, तो पहले आपको बता दूं कहीं भी आपके परिवार के साथ या आपके साथ कहीं कोई गलत कार्य हो रहा है तो आप हमारी संस्था को कभी भी सूचित कर सकते हैं। जिला होशियारपुर के डेरा झबला में बाबा हरमीत सिंह और बाबा जगतार सिंह की ओर से समूह संगतों के सहयोग से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस अवसर पर पहले श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, उसके उपरांत कीर्तन जत्थे और गुरुवाणी का मनोहर कीर्तनों से संगतों को निहाल किया गया। इस अवसर पर संत महापुरुष भारी संख्या में शामिल रहे। हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरा श्यामदास में 9वीं कक्षा की बालिकाओं को मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरित की गई। साइकिल मिलते ही बालिकाओं के चेहरे खिले नजर आए। सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बालिकाएं किसी से कम न रहें और पढ़ लिख कर खुद को साबित कर सके।
मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत विद्यालय में पढ़ रही 59 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इसके साथ ही अभिभावकों से अपील किया गया कि अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। वितरण कार्यक्रम में छात्राओं के अभिभावक और विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत विद्यालय में 59 बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया गया। अभी बालिकाएं जो हमारे यहाँ दूर से आती थी, उन्हें विद्यालय आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके अभिभावक चाहते कोई इस प्रकार की सुविधा मिले जिससे बालिकाएं आसानी से विद्यालय आ सके, लेकिन चूंकि ग्रामीण इलाका है और यहाँ बसें आ जा नहीं सकती, अब साइकिलें मिलने से बालिकाएं आसानी से विद्यालय आ सकती हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे बालिकाओं की शिक्षा को जारी रखें। कोरिया जिले के पोड़ी थाना में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से अनाचार का मामला सामने आया है। परिजनों के डर से नाबालिग ने घटना के बारे में अपने घर में नहीं बताया और जब लड़की गर्भवती हो गई तब परिजनों को इसकी जानकारी हुई। मामले में परिजन भी लोकलाज के भय से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए। परिजन प्रसव के लिए नाबालिग को लेकर जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचे, जहां नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन नाबालिग होने की भनक जैसे ही डॉक्टरों को लगी तत्काल बैकुंठपुर थाने को सूचना दी गई। मामले में बैकुंठपुर पुलिस ने 0 में अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना के लिए पोड़ी थाने भेज दिया है। दरअसल मामला पोड़ी थाने के ग्राम महाराजपुर का है। एक नाबालिग लड़की को आकाश नाम का युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा दिया और एक साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब लड़की गर्भवती हो गई तो इसकी भनक आरोपी को लग गया और आरोपी आकाश गांव छोड़कर केरल भाग गया और वहीं काम करने लगा। फिलहाल पोड़ी पुलिस ने आकाश के विरुद्ध पास्को एक्ट और दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर तलाश में जुटी है। थाना पोड़ी में आकाश मिंज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये महाराजपुर का रहने वाला है। इसने एक नाबालिग लड़की से उसको शादी का झांसा देकर लगभग एक वर्ष तक उसका शोषण किया एवं जब लड़की गर्भवती हो गई तो बैकुंठपुर जिला अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई, जहां से सूचना बैकुंठपुर थाने को दी गई कि एक नाबालिग लड़की का डिलीवरी हुआ है। इस पर थाना बैकुंठपुर में 0 में अपराध कायम किया गया और इसे थाना पोड़ी भेजा गया। और इस आरोपी की पतासाजी में ये आरोपी पता चला कि ये केरल भाग गया है और वहाँ पे रोजी मजदूरी का काम कर रहा है। इस आकाश में व्यक्ति को आज गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर न्यायिक रिमांड भेजा गया। दमोह पुलिस के द्वारा आजकल वाहन सर्चिंग तथा रोड व्यवस्था बनाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि तस्वीरें व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें दमोह जिले के अलग अलग हिस्सों की है। कहीं एक बाइक पर 4 लोग बैठकर सवारी कर रहे हैं तो कहीं एक बाइक पर 5 लोग सवारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कहीं नाबालिग छोटे छोटे बच्चे खुलेआम बाइक चला रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दमोह पुलिस तथा यातायात पुलिस कितनी सख्त है। आपको यह भी जान लेना आवश्यक है कि कागज के नंबर प्लेट लगे वाहन भी धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। और तो और, पुलिस के ऐसे अभियान कार्रवाई में चालान सिर्फ उन ग्रामीणों का होता है जो किसी आवश्यक कार्य के लिए शहर पहुंचते हैं, उस दौरान उनके किसी बात को नहीं सुना जाता। अब स्क्रीन में देखिए दूसरी तस्वीर को, जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा बीच हाईवे पर गाड़ी खड़ा किया गया है। दोनों तस्वीरों से साफ झलकता है कि यह पूरा अभियान सिर्फ जेब भरने और खानापूर्ति के लिए है।